Hello friends, welcome to Gates Measure. Let's see page table entry. Now the page table entry is what? In the page table, in one of the entry, there are lot of things that we have to put. Now, what is the significance of all these values that we will see one by one? Page table ko hum use kyun karte hain? Because page table jo hai, memory management unit use karta hai logical address ko physical address mein map karne ke liye. Ab is page table ki har entry mein kya kya values hai aur unka kya benefit hai. The point is first, frame number means the first field is which is also called the mandatory field. Matlab is field mein kya likha hoga? Frame ke numbers. Jaisa ki hume pata hai ki har ek page कहां पे जाता है? Frames में जाता है. Non contiguous way में एक पेज, एक प्रोसेस का एक पेज और मल्टीपल पेजेस किसी भी फ्रेम के अंदर हो सकते हैं. मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर वो प्रेजेंट हो सकते हैं. अब उन फ्रेम्स को जब हमें मैप करना है कि वो किस फ्रेम में पड़े हैं, उसके लिए हम पेज टेबल को यूज करते हैं. तो पेज टेबल की फर्स्ट एंट्री में क्या लिखा होगा? फ्रेम का नंबर. मींस उस फ्रेम की वैल्यू जहां पे एक्चुअल में वो पेज रिजाइड कर रहा है, दैट इज मेंशन्ड इन द फ्रेम नंबर. तो यानी इसके बिना तो आपका लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस से मैप हो ही नहीं सकता. तो यानी मैंडेटरी फील्ड जो है वो मेरी पहली कौन सी है? फ्रेम नंबर. नाउ देयर आर अदर ऑप्शनल फील्ड्स आल्सो. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीस फील्ड्स? लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट इज वैलिड एंड इनवैलिड. वैलिड एंड इनवैलिड मींस when you are looking for a page, when you are looking for a page, let's say you are looking for a page 1 and you got ki page 1 is in this particular frame number. Now this valid and invalid bit is telling ki whether that page is present at that location or not. Means ye valid invalid ki jagah ye ek aur cheez bhi hum likh sakte hain ki whether that page is present or absent. Isko hum bolte page fault. टेक्निकल टर्म में हम इसको बोलते हैं पेज फॉल्ट. मतलब जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो उस फ्रेम में, यार अगर उसमें इनवैलिड है ना, यानी अगर उसमें वैल्यू जीरो है, जीरो, तो जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो वो पेज उस जगह पे है ही नहीं. क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम. कई बार क्या होता है, हम पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं. जैसे राउंड रॉबिन में एक प्रोसेस चल रहा है, उसको हम स्वैप आउट करके रेडी स्टेट में डाल देते हैं. ऐसे ही हम वर्चुअल मेमोरी में क्या करते हैं, सारे के सारे पेजेस को हम मेन मेमोरी में नहीं रख सकते, क्योंकि मेन मेमोरी तो मेरी लिमिटेड है. तो हम कई पेजेस को लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, और कुछ पेजेस को हम बाहर ले जाते हैं, फिर कुछ पेजेस को लेके आते हैं, कुछ पेजेस को बाहर ले आते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है जिस पेज को आप सर्च कर रहे हो वो एक्चुअल में एब्सेंट है. तो आपको उस जगह पे जाके सर्च करने की जरूरत ही नहीं है. ये फील्ड ही आपको बता देगी कि जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो क्या वो पेज वैलिड है, मतलब क्या वो पेज प्रेजेंट है, या वो पेज इनवैलिड है, मींस वो पेज एब्सेंट है. अगर वन है तो यानी वो पेज प्रेजेंट है, अदरवाइज जीरो मींस दैट पेज इज नॉट प्रेजेंट. नेक्स्ट फील्ड इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ. इसमें एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो उस पेज में होगा क्या? डेटा होगा. उस डेटा के ऊपर सम प्रोटेक्शन वैल्यूज आर देयर. व्हाट इज RWX? रीड, राइट, एग्जीक्यूट. दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट परमिशंस ऑन अ पर्टिकुलर फाइल. वी आर यूजिंग दीज परमिशंस, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. क्या आप उस डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो, या उस डेटा में कुछ चेंज भी कर सकते हो, या उसके अंदर सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो? मींस अगर उसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट है तो सिर्फ आप उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो. दीज आर दी थ्री डिफरेंट परमिशंस. तो उस पेज के ऊपर जो डेटा है उसके ऊपर क्या परमिशन है? क्या रीड है, राइट है, या एग्जीक्यूट है? तो ये परमिशंस जो है वो इस प्रोटेक्शन बिट में, प्रोटेक्शन फील्ड में रिप्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट इज रेफरेंस. रेफरेंस इज व्हाट? ये हम यूज करते हैं जब हम, जैसे मैंने बताया कि हम पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं. तो सॉरी, जब हम पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं तो रेफरेंस में हमें बताना पड़ता है कि क्या उस पेज को हमने पहले पास्ट में कभी हम लेके आए थे मेन मेमोरी में. एक मेथड होता है LRU,
least recently used. Sorry for the interruption. LRU, we use one method that is least recently used. Least recently used में हम क्या करते हैं? एक page जो हमने past में कभी बुलाया था और फिर हम उसको दोबारा फिर बुला रहे हैं. तो उस चीज को represent करने के लिए better आपको LRU जब हम discuss करेंगे तब आपको ज़्यादा clear होगा. यहाँ पे आप मान के चलो कि एक page को हमने past में कभी पहले भी उसको लेके आए थे main memory के अंदर. अगर लेके आए थे तो हम उसको वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम पहली बार ही उस पेज को लेके आ रहे हैं तो हम उसको जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज एक्चुअली अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. LRU इज अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. तो ये रेफरेंस बिट वहां पे काम आती है. इसके अलावा और कोई फंक्शनलिटी नहीं है. नेक्स्ट इज द कैशिंग. कैशिंग इज एक्चुअल में कैशिंग में वैल्यू होते हैं इनेबल या डिसेबल. मतलब आपको कैशिंग को इनेबल करना है डिसेबल. यहाँ पे कैशिंग का मतलब क्या है? जब हम एक पेज के अंदर कोई डेटा को डाल रहे हैं उस पेज को हम कैश कर लेते हैं. कैश मींस सीपीयू सबसे पहले कैश में किसी डेटा को ढूंढता है. अब हमें जब मुझे पता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा को बहुत बार कॉल हो रही है तो हम उस डेटा को कैश कर देते हैं. कैश से क्या होता है कि मेरे को बार बार मेन मेमोरी में या हार्ड डिस्क में जाके डेटा को सर्च करने की जरूरत नहीं है. मैं सीधा कैशिंग से वो डेटा को उठा लूंगा. मतलब नियरेस्ट लोकेशन में हम डेटा को रख देते हैं. That is the for the advantage of कि मैं minimum से minimum time में CPU उस data को execute कर सके, उस data को access कर सके. तो उसके लिए हम use करते हैं concept of caching. लेकिन ये सारी जगह valid नहीं होती. Let's say कि अगर मुझे online transaction करनी है, मैंने आज एक online transaction की by using the SBI online account. अब वहाँ पे मेरा account number आया, beneficiary name आया, सारी information आई. अगर मैं उस information को cache कर लूँ, तो there will be a lot of problem. मैं दो दिन बाद फिर ट्रांजेक्शन कर रहा हूं. अगर वो डेटा कैश से आएगा तो वो डेटा पुराना आएगा. उस टाइम पे मेरे अकाउंट में पैसे कुछ और वैल्यू होगी. आज मेरे अकाउंट में पैसे अलग है. मतलब यानी जब भी यूजर को फ्रेश डेटा चाहिए तो उस केस में हम डेटा को कैशे ना करें. अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे YouTube में हम यूज करते हैं. YouTube पे क्या होता है कि जब हम कोई पर्टिकुलर वीडियो को बहुत बार देखते हैं तो YouTube क्या करता है, उसको कैश में कर रख लेता है कि यूजर हमेशा इसी डेटा को, इसी वीडियो को ही तो देख रहे हैं यार. तो बेस्ट है कि इसको हम नियरेस्ट लोकेशन में रख दें यूजर के, ताकि जैसे ही यूजर वो वीडियो को देखेगा फटाफट वो वीडियो का जो डेटा है यूजर को फटाफट दे दे, ताकि कम से कम टाइम में वो डेटा यूजर के पास पहुंच जाए. तो यही पॉइंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस पेज का डेटा कैश करना है या नहीं. अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डेटा स्टैटिक है तो आप बेस्ट है कैश इनेबल कर दो. लेकिन अगर डेटा आपका डायनामिक है, मतलब आपको फ्रेश डेटा बार बार करना है, नया नया डेटा आ रहा है, तो उस केस में कैशिंग इनेबल ना करो, कैशिंग को डिसेबल करो. नेक्स्ट इज द डर्टी बिट. डर्टी इज व्हाट? डर्टी या इसको मॉडिफाई भी बोलते हैं. मॉडिफाइड. डर्टी या मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि अगर किसी पेज को किसी यूजर ने मॉडिफाई कर दिया. मतलब लेट्स से कि एक पर्टिकुलर पेज है P1, उसके ऊपर परमिशन है राइट की. पहली बात है राइट की परमिशन होनी चाहिए, चेंज करने की परमिशन होनी चाहिए. लेट्स से पर्टिकुलर पेज के ऊपर राइट की परमिशन है किसको? यूजर वन को. अब यूजर वन ने क्या किया, उस पेज को एक्सेस किया, उसमें वैल्यू थी एक्स की 100. अब एक्स की वैल्यू क्या कर दी उसने? 200. ये पेज कहां से एक्सेस किया था? मेन मेमोरी से. मेन मेमोरी से इस पेज को एक्सेस किया, उसकी वैल्यू को 100 से 200 कर दिया. मॉडिफाई कर दिया? यस, कर दिया. तो यानी मैं यहां पे वैल्यू क्या लिख दूंगा? 1. 1 मींस दिस पेज इज मॉडिफाइड. लेकिन क्या डेटा जो इसमें मॉडिफाई किया है वो हार्ड डिस्क में मॉडिफाइड है? नहीं, हार्ड डिस्क में हमेशा पुराना डेटा होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो है एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी. तो हम मेन मेमोरी में फटाफट लाके रखते हैं डेटा को, ताकि सीपीयू अपना काम खत्म कर ले. सीपीयू ने तो कर दिया, 100 से 200 कर दी वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में हार्ड डिस्क में एक्स की वैल्यू अभी भी क्या है? 100. तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को अचीव करना है मुझे, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हार्ड डिस्क में भी एक्स की वैल्यू को 200 कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रादर देन कि मैं उस पेज को स्कैन करूं और चेक करूं कि पहले क्या वैल्यू थी अब क्या थी, मेरे को ये बिट से पता लग जाएगा कि हाँ यार यूजर ने इस पेज को मॉडिफाई किया है. तो जैसे ही मेरे को पता लग गया, मैं इसको यूज करके जो वैल्यू थी पुरानी उसको अपडेट कर दूंगा विद द
new value. So this is what the functionality of all these fields. Although these fields are optional, but obviously इनकी अपना significance है. अब हम आपको like questions आ सकते हैं इसमें, already आए भी हुए हैं gate और other competitive exams में, जिसमें आपको ये bits भी दी हुई हैं. तो अगर आपको frame numbers, सबसे पहला function है आपका frame numbers निकालना. कितने number of frames हैं, कितने number of bits चाहिए represent करने के लिए frame. और उसके अलावा अगर ये bits दी हैं, तो आप इनको use कर सकते हो. Otherwise, ये fields जो हैं वो optional. So this is all about the page table entry. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.